भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे आखिरी वनडे मुकाबले में अब ऐसा लगता है कि भारतीय टीम के हाथ में ये मुकाबला आ चुका है। जी हाँ, आपको बता दें कि इंग्लैंड का स्कोर 31 ओवर में 200 रन के स्कोर पर 7 विकेट का नुकसान उनका हो चुका है और 7वें विकेट के रूप में भारत को सफलता मिली है मोइन अली की। जी हाँ, मोइन अली जो कि काफी डेंजरस साबित हो रहे थे, धीरे धीरे स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ा रहे थे, उनका विकेट यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार ने निकाला है। कप्तान विराट कोहली ने दूसरे स्पेल में भुवनेश्वर कुमार को लाया और भुवनेश्वर कुमार ने 31वें ओवर की तीसरी गेंद पर यहाँ पर मोइन अली को आउट कर दिया है। हालांकि मिड ऑफ के ऊपर मोइन अली शॉट खेलना चाह रहे थे, लेकिन हार्दिक पांड्या ने शानदार कैच लपका और कई दर्शकों का कहना है कि यहाँ पर हार्दिक पांड्या काफ़ी शानदार खिलाड़ी हैं। हालांकि पिछले कुछ मैचों में आलोचना जरूर हुई कि हार्दिक से गेंदबाजी क्यों नहीं कराई जा रही है, आज वो गेंदबाजी की जरूरत पड़ी और आज वो प्रेशर बना था। हार्दिक ने गेंदबाजी भी अच्छी की, बल्लेबाजी भी अच्छी की और एक कैच भी शानदार लपका। उस लिहाज से आज टीम इंडिया ने एक शानदार तरीके से मुकाबले में अपनी पकड़ को जो है वो बनाकर रखा हुआ है। अब ये देखना होगा कि टीम इंडिया किस तरीके से इस मुकाबले को जीतती है। अब तक काफ़ी शानदार गेंदबाजी टीम इंडिया की तरफ से हुई है। बड़ी बात यह है कि भारतीय टीम की तरफ से आज 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि अभी भी करीब 113 गेंदों में 130 रनों की दरकार है। रन रेट ठीक है इंग्लैंड का, लेकिन विकेट 7 गिर चुकी हैं तो उनके लिए अभी भी मैच में वापस आना बड़ा नामुमकिन सा लग रहा है। हालांकि सैम करन की विकेट अभी भी भारत को चाहिए, आदिल रशीद भी बल्लेबाजी कर सकते हैं तो उनके पास बैटिंग है, लेकिन इस बैटिंग का वो किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि प्रॉपर रिकॉग्नाइज बैट्समैन सभी आउट हो चुके हैं इंग्लैंड की टीम की तरफ से। तो भारतीय टीम के पास ये मौका है। अब ये देखना होगा कि टीम इंडिया किस तरीके से यहाँ पर अप्रोच करती है, क्या विराट कोहली अपने स्ट्राइक गेंदबाजों से अटैक करेंगे, ये भी देखने वाली बात है। ANP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।